उत्तर प्रदेश में अपराध और महंगाई से जनता हो रही है त्रस्त, ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लगातार बिगड़ती स्थिति पर और बिजली की दरों में बढ़ोतरी के दायरे में निम्न आय वर्ग के लोगों को शामिल किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य की जनता त्रस्त है। मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के साथ सर्व समाज की बहन बेटियों को जान एवं इज्जत आबरू के संबंध में अराजकता जैसी स्थिति अति दुखद और जाति और अति चिंता का विषय है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमत बढ़ाए जाने और दायरे में कम आय वर्ग के लोगों को भी शामिल किए जाने की निंदा की और उन्होंने कहा कि देश के अंदर पहले ही नोटबंदी जीएसटी जैसी परेशानियों से पूरा देश परेशान है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान नहीं दे रही है बिजली पानी जैसी मूल समस्याओं के ऊपर, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित अपने आप को नहीं मानती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।